Hey guys, welcome to our channel. If you are using the Steam on your browser like a Chrome or a Mozilla Firefox and you are getting this error, your response to the captcha appears to be invalid. Please re-verify that you are not a robot below. How you can fix this problem, I will tell you, but the solution of the problem is in Hindi language, so I hope you will understand it. Hope you like and subscribe our channel Zero to Infinity and follow some simple steps and it will help to fix the problem. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ से क्रोम ब्राउजर इसको ओपन कर लेते हैं. ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इन पे टैप कर देना है. टैप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू इग्निटो टैप, तो न्यू इग्निटो टैप पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पे इस टैब में चलाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कभी कभी आपकी जो मेन जो टैब होता है उसमें कुछ चीज़ें चलती नहीं हैं और इग्निटो टैब में वो आसानी से चल पड़ती हैं. इसके बाद अगर आपको ये करना है, सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है. यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखेगा साइट सेटिंग्स का, इस पर टैप कर देना है यहाँ से सिंपली. जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की हमें परमिशन दिखेंगी. आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की परमिशन दिख रही है. तो यहाँ से अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कुकीज़ है, इनको ऑलवेज इनेबल कर दीजिएगा. कुकीज़ इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है एड्स का, तो एड्स वाले ऑप्शन को यहाँ से डिनाई कर देना है और इसको इनेबल कभी भी मत कीजिएगा. आपके जो ब्राउजिंग में बहुत सारी ऐड आएंगी जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है और वर्क नहीं करेगा आपकी जो वेबसाइट है. इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है. बैक आने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ से बैक आ जाना है. बैक आने के बाद यहाँ पे आप फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है. थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखेगा, अपडेट क्रोम, इस पर क्लिक कर देना है और इसको अपडेट जरूर कर लेना है. अपडेट करने के बाद एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करें और फिर से ओपन करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.